हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आपको प्रेगनेंसी के 7वें और 8वें महीने में क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसके साथ ही आपके बच्चे का विकास कितना होता है और साथ में ही इस महीने में आपके साथ क्या क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो घंटी है उसको भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि प्रेगनेंसी के 7वें महीने से आपका थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, ये वो 2 महीने होते हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस मतलब बहुत ज़्यादा सावधानियों की ज़रूरत होती है जिससे कि आप प्री मेच्योर डिलीवरी से बच सकें, क्योंकि इस टाइम बहुत सी लेडीज़ में सिम्टम आने लगते हैं डिलीवरी होने के। तो आप उन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो आपको इन दोनों महीनों में नहीं करना चाहिए वो है कि आपको आगे की ओर झुकने की गलती नहीं करनी चाहिए। प्रेगनेंसी के 4वें महीने से ही आपको आगे की तरफ नहीं झुकना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है पेट पर, इससे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, गर्भाशय पर दबाव होता है, साथ में बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको इन महीनों में आगे की ओर झुकने के लिए स्पेशल सावधानी रखनी चाहिए। झुके नहीं, कोई भी चीज़ है जो आपको उठानी है, कोई आपकी हेल्प के लिए आसपास नहीं है, अपने घुटनों को मोड़िए, बैठ जाइए, उसके बाद कोई भी चीज़ आप उठा लीजिए और आराम से उठ जाइए, ठीक है। इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है सही पोजीशन में भी आपको इस टाइम ज़रूर सोना चाहिए, क्योंकि इस टाइम बच्चा बहुत फास्ट ग्रोथ करता है। इन दोनों महीनों में बच्चे का तेज़ी से वजन बढ़ता है, बच्चे के तेज़ी से वजन बढ़ने के साथ साथ आपको प्री मेच्योर डिलीवरी से भी बचना है तो आपको लेफ़्ट साइड करवट करके सोना चाहिए। साथ में सोते टाइम एक और सावधानी आपको रखनी चाहिए कि झटके से आपको करवट चेंज नहीं करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप पूरी रात लेफ़्ट साइड ही सोएं, अगर आप लेफ़्ट साइड मन भर गया है आपका तो आप राइट साइड करके सो सकती हैं, लेकिन पूरी रात आपको राइट साइड नहीं सोना चाहिए। बीच बीच में करवट आपको चेंज करते रहना चाहिए, लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी। जब भी करवट ले रही हैं इस बात का भी ध्यान रखें कि झटके से आपको करवट नहीं लेनी चाहिए। झटके से करवट लेते हैं तो बच्चे के गले में गर्भ नाल भी लिपट सकती है, और गर्भ नाल अगर लास्ट के महीनों में लिपट गई तो फिर इसका निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए आपको इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। इसके बाद जो आपको ध्यान रखना होता है कि 7वें महीने में आप जैसे एंटर करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो आपकी डिलीवरी को लेकर टेंशन बढ़ने लगती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, स्ट्रेस इस टाइम बिल्कुल ना लें, क्योंकि स्ट्रेस रोना सीधा इफेक्ट आपके बच्चे पर पड़ता है। हमेशा आप खुश रहते हैं, किसी भी तरीके की टेंशन नहीं लेते हैं, तो बच्चा भी आपका गर्भ में अच्छे से विकास करता है, बच्चे का वजन बढ़ता है और बच्चे को किसी भी तरीके की गर्भ में परेशानी नहीं होती है, साथ ही डिलीवरी भी आपकी आसानी से हो जाती है। इसलिए आपको प्रेगनेंसी में स्ट्रेस चिंता रोना इन चीज़ों से बचना चाहिए, और बाकी की जो केयर होती है प्रेगनेंसी में वो तो आपको करना ही चाहिए, जैसे कि डाइट पर ध्यान देना चाहिए आपको, जैसे कि भारी वजन नहीं उठाना चाहिए, ये चीज़ें कॉमन है। आप मेरी कंटिन्यू वीडियो देखती आ रही हैं तो ये चीज़ें तो आपको पता होंगी ही, इसलिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी इस टाइम, ठीक है। अब हम जानते हैं कि आपके बच्चे का विकास 7वें 8वें महीने में कितना होता है। तो प्रेगनेंसी के 7वें से 8वें महीने में आपके बच्चे का वजन 1 से 1.5 किलो या 2 किलो तक भी हो सकता है। बच्चे की लंबाई 14 से 16 या 17 इंच तक हो सकती है। बच्चे जैसे कि 7वें महीने से ही जमाई अंगड़ाई लेना स्टार्ट कर देता है, बाहर की आवाज़ें पूरे तरीके से सुन सकता है, बच्चा आपके टच को भी अच्छे से फील करने लगता है। एक जैसे कि रिसर्च में भी माना गया है कि जो माँ घर में अपने बच्चों को लोरी स्टोरी बच्चे को धार्मिक ग्रंथ सुनाती हैं तो इससे क्या होता है कि बच्चा घर में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनता है, उसका जो आईक्यू लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आपको इस महीने से ही बच्चे को लोरी स्टोरी या कोई भी धार्मिक कथा ग्रंथ जो भी आप इंटरेस्ट रखती हैं, जो भी आप बच्चे को जिस तरीके की शिक्षा देना चाहती हैं वो आप बच्चे को सुना सकती हैं। बच्चा पूरी बात आपकी सुनता है गर्भ के बाहर की, और बच्चा गर्भ में इंटेलिजेंट और बच्चे का आईक्यू लेवल भी बढ़ता है, मतलब कि बच्चे का दिमाग तेज होता है। इन महीनों में आपको जो सिम्टम नजर आएंगे प्रेगनेंसी के 7वें 8वें महीने में, आपको कॉन्ट्रैक्शन आने भी स्टार्ट हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कुछ टाइम के लिए आपको तेज़ी से पेन आएगा, कुछ सेकंड के लिए, साथ में शायद आपका पेट कड़क भी हो जाएगा, फिर अपने आप ही ये पेन 1 से 2 सेकंड के बाद ही सही हो जाएगा। आप जैसे कि अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, खड़े हुए हैं तो बैठ जाते हैं तो ये पेन अपने आप ही सही हो जाते हैं। फिर आपको शायद ये पेन 12 घंटे के बाद या 6 घंटे के बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद
फिर से आपको फील हो सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के सातवें महीने से भी आपको स्टार्ट हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। दूसरी परेशानी जो इन महीनों में आपको हो सकती है कि सूजन आने की समस्या आपको हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि पेट का आकार बढ़ने लगता है, जिस वजह से ब्लड सर्कुलेशन में थोड़ा सा फ़र्क पड़ने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन आपके पैरों तक ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, जिस वजह से शायद आपको पैरों में सूजन की समस्या हो सकती है। लेकिन अगर आपको सूजन फेस पर आ रही है, साथ में ही आपके हाथों में भी सूजन आ रही है और सूजन ज़्यादा बढ़ रही है फेस पर भी, तो आपको ऐसे में इग्नोर नहीं करना चाहिए, डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि फेस पर सूजन आना कुछ और ही इंडिकेट करता है। इसलिए आपको इस कंडीशन में तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब इन महीनों में क्या होगा कि आपको कमर में दर्द की समस्या भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका गर्भाशय बढ़ने लगता है, बच्चे का वजन बढ़ने लगता है, जिस वजह से जोर आपके रीढ़ की हड्डी पर पड़ने लगता है, तो कमर के दर्द की शिकायत भी आपको होने लगती है, जो कि इन महीनों में नॉर्मल बात है। कमर दर्द से बचने के लिए आपको यही करना चाहिए कि ज़्यादा झुकना नहीं चाहिए, लेफ्ट करवट लेकर सोना चाहिए, पीठ के बल आपको नहीं सोना चाहिए, थोड़ी बॉडी आपको वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज अगर आप कंफर्टेबल हैं, डॉक्टर ने अगर आपको सजेस्ट किया है, तो आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, बैठने वाली, ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज आपको नहीं करना है। इसके बाद क्या होगा कि आपको बार बार यूरिन आने की समस्या भी हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम क्या होता है कि गर्भाशय बढ़ने लगता है और गर्भाशय का सारा जोर आपकी यूरिनरी ब्लैडर पर पड़ने लगता है, जिस वजह से बार बार यूरिन आने की समस्या हो जाती है। बल्कि क्या होगा कि जब आप खांसते हैं, छींकते हैं, तो भी आपका ऑटोमेटिकली यूरिन पास हो जाता है, जो कि नॉर्मल बात है। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सभी के साथ ऐसा होता है। इसके बाद क्या होगा कि आपको ब्रेस्ट से थोड़ा सा रिसाव सा हो सकता है, मतलब पानी सा हो सकता है, कभी कभी आपको मिल्क भी निकल सकता है, तो इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चे को मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए हमारी जो नसें होती हैं ब्रेस्ट की, वो तैयार होना शुरू हो जाती हैं। इस वजह से कभी कभी हमें ब्रेस्ट में रिसाव हो सकता है, ये भी बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके साथ एक प्रॉब्लम और आपको इस महीने में हो सकती है कि आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, या तो आपको दस्त लगने लगेंगे या फिर आपको इतनी ज़्यादा कब्ज होने लगेगी कि इससे दिक्कत बढ़ जाएगी। कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे आपको लूज़ मोशन हो या आपको ज़्यादा कब्ज हो जाए। इस टाइम आप ये कर सकते हैं, लूज़ मोशन की शिकायत है तो ज़्यादा से ज़्यादा जूस आप लें, लूज़ मोशन से आपको छुटकारा मिल सकता है। ज़्यादा गर्म चीज़ें आप ना खाएं, तो गर्म चीज़ों से लूज़ मोशन में और दिक्कत हो सकती है। इसके साथ अगर आपको कब्ज़ की शिकायत ज़्यादा है, तो आप गुनगुने पानी में एक कप आप गुनगुना पानी ले लीजिए, उसमें आधा चम्मच या एक चम्मच घी डालिए, ये आपको सुबह से करना है, और वो पी लीजिए चाय की तरह सिप सिप करके। इससे क्या होगा, आपकी कब्ज़ की शिकायत कम हो जाएगी। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं फ्रेंड, जो आपको सातवें और आठवें महीने में नज़र आ सकते हैं। इस महीने अपने आप को सेफ तरीके से रखिए, कोई भी हार्ड एक्सरसाइज मत करिए, ट्रैवलिंग आपको इस महीने नहीं करना चाहिए। इन दो महीनों को आपको बहुत सेफ्टी तरीके से निकालना है, जिससे कि प्री मेच्योर डिलीवरी के चांसेस ना बने। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरी टिप्स पसंद आई होंगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो घंटी है उसको भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।